आज इस लेक्चर में हम जानेंगे कि ब्लैक श्री ग्रेन इनिशिएटिव क्या है। जब G20 मीटिंग हुई थी भारत मंडपम न्यू दिल्ली प्रगति मैदान में, तो इस ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव का जिक्र आया था। हालांकि इस पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या एग्रीमेंट ये रिन्यू नहीं हो पाया, पर इसके बारे में जानना ज़रूरी है। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक तो ये कि ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, और एक ये समझौता है किस पे, ये एक इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जानते हैं, सबको पता है कि रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, तो रशिया और जो यूक्रेन है वो दोनों कंट्री ग्लोबली 21.9% एक्सपोर्ट करती हैं। क्या? बार्ले, मेज और वीट, उसके साथ साथ सनफ्लावर ऑयल भी और फर्टिलाइज़र भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट होता है। कहाँ से? रशिया और यूक्रेन से। जब से रशिया और यूक्रेन का वार चला तो ये जो एक्सपोर्ट की सप्लाई चेन है वो अफेक्ट हो गई, और जब एक्सपोर्ट की सप्लाई चेन अफेक्ट हो गई तो फूड सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हुई, और सबसे ज़्यादा फूड इन्फ्लेशन भी हुआ और फूड इनसिक्योरिटी भी हुई। कहाँ पे? अफ्रीका की जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका में ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ। किसका? ब्लैक श्री ग्रेन इनिशिएटिव का, जो कि एग्रीमेंट लैप्स हो गया था जुलाई में, इसका अफेक्ट हुआ। अब ये एग्रीमेंट था क्या? ये एग्रीमेंट जो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव एग्रीमेंट था, ये एग्रीमेंट था जिसमें दो MOU साइन हुए थे। पहला MOU साइन हुआ था रशिया, यूक्रेन, टर्की और UN के बीच में, कि हम एक ऐसा ह्यूमन कॉरिडोर बनाएंगे जहां से हम ये जो इम्पोर्टेंट फूड स्टफ है, जो फर्टिलाइज़र है, सनफ्लावर ऑयल है, उसको यूक्रेन के पोर्ट से एक ह्यूमन कॉरिडोर बना के हम जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें एक्सपोर्ट कर देंगे। पहला एग्रीमेंट तो ये साइन हुआ था। ये साइन इसलिए क्यों हुआ था? क्योंकि फूड इन्फ्लेशन हो रहा था, फूड इनसिक्योरिटीज़ हो रही थी, इसलिए साइन हुआ। दूसरा MOU साइन हुआ रशिया के द्वारा। रशिया ने ये कहा कि चलो ठीक है, आप हमें थोड़ी सी और मदद कर देना, UN से कहा कि आप हमारे फूड स्टफ को और हमारे फर्टिलाइज़र को प्रमोट कर देना ग्लोबल चेन में। क्यों कर देना? रशिया से क्यों कह रहा है? क्योंकि रशिया पे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो अमेरिका है, उन्होंने सेंक्शन लगाए हुए हैं उसकी एक्सपोर्ट वाली कमोडिटी पे, तो इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट करी रशिया ने UN से। तो ये दो एग्रीमेंट थे इसके अंदर, BSGI के अंदर ये दो एग्रीमेंट थे। ये दोनों एग्रीमेंट लैप्स हो गए जुलाई में। अब इस एग्रीमेंट को रिन्यू करने की बात चल रही है कि किसी तरह ये एग्रीमेंट रिन्यू हो जाए, दोबारा से समझौते पे आ जाएं। कौन? ये जो दो एग्रीमेंट हुए थे UN, यूक्रेन, रशिया और टर्की के बीच में, समझौते पे इसलिए आ जाएं क्योंकि फूड इन्फ्लेशन हो रहा है, ग्लोबल सप्लाई चेन अफेक्टेड हो रही है, और जो अफ्रीका की ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ तो सबसे ज़्यादा फूड इन्फ्लेशन है, बहुत ज़्यादा फूड इनसिक्योरिटी है। तो अगर इस चीज़ को UN नहीं देखेगा तो फिर कौन देखेगा? तो UN चाह रही है कि ये एग्रीमेंट फिर से रिन्यू हो जाए। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव ढंग से समझ आया होगा, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू।